हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। थोड़ा सा डिले हो गया है वीडियो, कोई बात नहीं। कल मिशन 72 का डीआई का जो पार्ट चल रहा है मिशन 72 में, आप लोग भी देख सकते हैं। एनटीपीसी में भी 3 क्वेश्चन आने हैं, आपका एसएससी में 5 क्वेश्चन आते हैं, 3 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन। अभी 25 क्वेश्चन के जो आ रही है टेस्ट होती है 25 25 का, तो उसमें 3 क्वेश्चन मिलते हैं आपको, कभी कभी 4 क्वेश्चन भी लिख जाते हैं, लेकिन मेंस में तो बहुत जरूरी है ये सीजीएल की मेंस में, तो आप लोग भी देख सकते हैं डीआई का। चलिए ठीक है, तो ट्रिगो हम लोग आज एक्चुअली न्यूनतम और महत्तम, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू वाले क्वेश्चन करने वाले थे, लेकिन कल एक क्वेश्चन मुझे मिला था प्रॉब्लम ऑन डिमांड्स में, तो मैंने सोचा पहले ये करूं, फिर कल का जो वीडियो आएगा उसमें मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू वाले हम क्वेश्चन करेंगे ट्रिगो का, और उसके बाद एक वीडियो और आएगा हाइट एंड डिस्टेंस का, एक ही वीडियो में हाइट एंड डिस्टेंस पूरा हम लोग कवर करेंगे। चलिए, तो इसमें हम दो आइडेंटिटी की बात करेंगे, दो तरीके के क्वेश्चन करेंगे हम, उसमें से एक तो अभी ये है और एक और करेंगे हम। तो अगर आपको देखिए यहां पर कुछ रिलेशन गिवन है, फिर से हमेशा की तरह आपको याद नहीं करना है, अभी आपको समझना है, बस 2 मिनट लगेंगे, आप इसको समझ जाएंगे, फिर कुछ क्वेश्चन हमने यहां लिखे ये करेंगे, बहुत आसान है। देखिए, अगर जैसे कोई आइडेंटिटी आपको दिया रहता है कि साइन स्क्वायर, अपने एक आइडेंटिटी पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, सेक दूसरा आइडेंटिटी आपने क्या पढ़ा था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ये मास्टर तीन फॉर्मूले थे। वैसे ही कुछ और, अब चूंकि ये ट्रिगोनोमेट्री है जो एडवांस मैथमेटिक्स का पोर्शन है, तो ये सब जो प्रॉब्लम है, ये सब रिलेशन है, ये इसे एडवांस बनाती है। अगर ये देखिए मल्टीपल एंगल, इसको बोलते हैं आप मल्टीपल एंगल में पढ़ते हैं, जब एंगल 1 से ज्यादा हो, ठीक है, मल्टीपल एंगल में पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। अगर एंगल ए और बी का सम जो है वो 90 डिग्री हो, अगर एंगल ए और बी का सम है जो 90 डिग्री हो, तो एक इक्वेशन बनता है साइन ए इंटू सेक बी इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब ये बनी है तो इसको हम प्रूफ भी करेंगे, हर बार की तरह हम प्रूफ करना जानते हैं, हम करेंगे। चलिए इसको यहां लिखते हैं, अगर आप साइन ए लिखना चाहें तो लिख लीजिए साइन ए इज इक्वल टू 1 बाय सेक बी, ठीक है, इधर इंटू में है, मल्टीप्लाई में है, तो इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएंगे, और इसको आप लिख सकते हैं सर कॉस बी। तब तो ये एक और नया रिलेशन बन गया कि अगर ए प्लस बी 90 है तो साइन ए इज इक्वल टू होगा कॉस बी, ठीक है, ये तो एक नया इक्वेशन बन गया, ठीक है। वैसे ही आप दूसरा इक्वेशन यहां से बना सकते हैं कि कॉस ए इज इक्वल टू साइन बी, बना सकते हैं सिमिलर। इसी तरह कॉसेक बी को नीचे लेके जाएंगे तो 1 बाई कॉसेक बी होगा, और 1 बाई कॉसेक बी को आप जानते हैं साइन बी बोलते हैं, ठीक है, तो साइन बी हो गया। वैसे ही टेन ए इंटू टेन बी इज इक्वल टू ए, इसका मतलब कि टेन ए इज इक्वल टू कॉट बी, क्लियर है, ठीक है। अब ऐसे ही आप इनको कर सकते हैं, ऐसे ये दो अलग थोड़ा दिख रहा है, लेकिन ये रिलेशंस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए ये सब क्या है, ये सब अगर आपको रिलेशन पते हैं तो सीधे सीधे प्रश्न आएंगे और आप सोल्व करेंगे, उसमें ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ही क्वेश्चन आता है कि a प्लस बी, कई दफा क्वेश्चन ऐसे आए हैं कि a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो आ गए कि साइन a इंटू सेक b इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब इसको ऐसे भी आप प्रूफ कर सकते हैं, पहले तीसरे वाला देखिए, टेन a इंटू टेन b इज इक्वल टू 1, मान लेते हैं कि a और b दोनों के दोनों है, जो कितना है मान लीजिए कि a और b, a हो गया सर 30 डिग्री और b हो गया 60 डिग्री, तो कितना हो गया 30 और 60 कितना हुआ 90 हो गए। अब tan 30 के वैल्यू क्या होता है, यहां पुट कर रहे हैं, tan 30 के वैल्यू होता है 1 बाय रूट 3 होता है, और tan 60 के वैल्यू क्या होता है रूट 3 होता है जी। अब दोनों से दोनों कैंसिल आउट हो गए तो वैल्यू 1, कहेंगे कि सर आप 30 और 60 ही क्यों रख रहे हैं, मेरा मतलब है कि आप रखिए 45 और 45 भी रख सकते हैं, 45 प्लस 45 भी 90 होता है, तो tan 45 इंटू tan 45, दोनों 45 के वैल्यू कितना होता है 1
वन होता है, तो वन इंटू वन वन, क्लियर है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। खैर ये प्रूफ करने का तरीका नहीं है, अब हम प्रूफ करते हैं। आपको ये रिलेशन समझ में आ गया होगा, हम प्रूफ करते हैं कि अगर a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री तो साइन a इंटू सेक b इज इक्वल टू 1 कैसे होंगे। ठीक है, तो चलिए इसको मैं रख करता हूं। देखिए आप लिखेंगे a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये आपको गिवन है। ठीक है, गिवन है। आप क्या करेंगे, a इज इक्वल टू लिख लीजिए 90 माइनस बी, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, ये प्लस में था इधर चला गया माइनस बी। ठीक है, अब आप दो तरीका है, या तो आप दोनों तरफ साइन ले लीजिए, ले लीजिए दोनों तरफ साइन, तो हमने लिखा साइन ए ले सकते हैं ना, दोनों तरफ लॉग ले सकते हैं, दोनों तरफ साइन ले सकते हैं, दोनों तरफ कुछ हम ऐड कर सकते हैं, दोनों तरफ कुछ हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हमने दोनों तरफ साइन ले लिया। तो साइन ए इज इक्वल टू साइन 90 माइनस बी, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। समझिए फिर से, रिलेशन गिवन है ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो हमने लिखा ए इज इक्वल टू 90 माइनस बी, बी को हम दूसरी तरफ लेके चला गए, अब दोनों तरफ साइन ले लिया, टेकिंग साइन बोथ साइड, साइन ए इज इक्वल टू साइन 90 माइनस बी। अब बताइए साइन 90 माइनस बी क्या होता है, तो आप कहेंगे सर कॉस बी, हमने दूसरा लेक्चर में ही बताया था साइन, जब हम क्वाड्रेंट की बात कर रहे थे तो 90 प्लस इधर जा रहे हैं, 90 माइनस इधर जा रहे हैं, 180 माइनस ऊपर सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, और 180 प्लस जा रहे हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं। आपको उसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, साइन इसको बोलेंगे आप साइन बी, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं बोलूं कि सर आप इसको लिखिए साइन ए इज इक्वल टू कॉस बी, को आप लिख सकते हैं वन बाय सेक बी, आप कहेंगे हाँ लिख सकते हैं। चलिए अब आप कहेंगे कि साइन ए इंटू सेक बी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में जब इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, सेक बी इज इक्वल टू वन, यही था इक्वेशन। ठीक है, तो आपने ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री लेकर के चला और आप लेके आ गए साइन ए इंटू सेक बी इज इक्वल टू वन। अब यही चीज यहां पर देखिए क्या एक रिलेशन बन रही है, यही है ना जी, इसके बराबर ये, 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 इसका मतलब तो यही होता है इक्वेशन में। ठीक है, तो एक फॉर्मूला जो मैंने आपको ये आइडेंटिटी बताया और आपने एक और निकाल लिया ये कि अगर दोनों का समेशन 90 डिग्री है, दोनों एंगल का सम जो है 90 डिग्री है, तो साइन ए इज इक्वल टू कॉस बी होगा। क्लियर है, ऐसे ही आप इसको करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर आप क्या ले लीजिएगा, कॉस ले लीजिएगा, प्लीज कीजिए आप अपने कॉपी में कीजिए, क्योंकि यहां पर करेंगे तो वीडियो थोड़ा लंबा होता चला जाएगा, अपन वीडियो छोटा रखते हैं, लेकिन अगर आपको यह समझ में आया तो आप इसको प्रूफ कीजिए, इसको प्रूफ कीजिए, और इसको प्रूफ कर हो गया तो ये करने की जरूरत नहीं, तो ये और ये तो मैंने ये कर दिया, आप ये और ये तो कीजिए। ठीक है, अपनी कॉपी में कीजिए, कुछ नहीं करना है। यहां पर क्या कीजिएगा, ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री लिखना है, तो a इज इक्वल टू लिखेगा 90 माइनस बी, यहां तक ये भी चलेगा। अब चूंकि यहां कॉस में है तो आप साइन न लेकर के क्या ले लीजिएगा, कॉस ले लीजिएगा, तो कॉस a इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस बी, कॉस 90 माइनस बी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस बी हो जाएगा क्या, साइन, साइन भी हो जाएगा, यहां पर साइन भी हो जाएगा, यहां पर कॉस, कॉस a होगा, तो साइन b को आप जब नीचे लेके जाइएगा तो क्या हो जाएगा, वन बाय कॉसेक बी। अब कॉसेक बी को उधर लेके आ जाइएगा तो देखिए मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ऊपर इधर डिवाइड में था तो इधर आ जाएगा, तो ये आप कीजिएगा, ये कीजिएगा, प्लीज अपने नोटबुक में बिल्कुल इसको कीजिए, ताकि जब एग्जाम आए तो आपको ये करने की जरूरत ना पड़े, तुरंत आंसर आप करें। ठीक है, अब चलिए इस पे, इन्हीं आइडेंटिटी पे कुछ तीन क्वेश्चन है, उनको हम करेंगे एक एक करके देखते हैं। आई होप आपने लिख लिया होगा इसको, नहीं तो फिर आप वीडियो को पीछे लेके जाइए और इसको आप नोट कीजिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि साइन, लिखेंगे हम साइन 3x माइनस 6 इज इक्वल टू कॉस 6x माइनस 3। ठीक है, तो x का वैल्यू फाइंड करना है, फाइंड x। अब एक बात बताइए जी, अभी आपने देखा कि साइन a, हमने इसको a मान लिया और इसको हमने मान लिया b, कोई दिक्कत नहीं, तो साइन a इज इक्वल टू कॉस बी कब होता है, अभी तो आपने किया, इसमें आपने किया ना, अभी अभी यहां पर जो लाइन लिखा हुआ था साइन ए इज इक्वल टू कॉस बी, वो तब होता था जब ए प्लस बी का वैल्यू 90 डिग्री होता था।
कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ए प्लस बी का वैल्यू 90 डिग्री, मतलब इसका और इसका समेशन कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो आप लिखेंगे 3x माइनस 6 प्लस 6x माइनस 3 इज इक्वल टू 90। अब 3x और 6x कितना हुआ, 9x, माइनस 6 और माइनस 3 माइनस 9, ठीक है ना, माइनस माइनस प्लस लेकिन साइन माइनस का, इज इक्वल टू 90। अब एक बात बताइए, 9x इसको भी बताने की जरूरत है क्या, 90 और माइनस 9 को दूसरे तरफ लेके गया तो क्या हो गया, प्लस 9, 9x इज इक्वल टू 99, 90 प्लस 9 99, x इज इक्वल टू 99 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू 11, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या हो गया, 11। अब अगर आप प्रैक्टिस करते हैं पूरा दो चार बार इस टाइप के क्वेश्चन, आप जाइए कोई एक अच्छे से बुक आपके पास होगा एडवांस मैथमेटिक्स का, तो वहां जाइए और इस टाइप के ढेरों सवाल आपको मिलेंगे, बहुतों क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप हर टाइप पे कम से कम 5 से 7 से 8 से 10, मैं तो कर रहा हूं 10 क्वेश्चन लगाइए, ठीक है। सुबह उठिए और नाश्ते में 10 क्वेश्चन, फिर लंच में 10 क्वेश्चन, फिर डिनर में भी 10 क्वेश्चन। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ मैथ से मैथ पढ़िए, आपके पास और भी जीके पढ़ना होता है, जीएस पढ़ना होता है, आपको इंग्लिश पढ़ना होता है, रीजनिंग पढ़ना होता है। खैर रीजनिंग में आप लोग बहुत कम समय देते होंगे मुझे पता है, तो लेकिन आपको मैथ्स के प्रैक्टिस अच्छा होना ही चाहिए ताकि आप एग्जाम में कम से कम समय लें और एक्यूरेसी ज्यादा रहे। सक्सेस का दो ही मंत्र है, स्पीड प्लस एक्यूरेसी। चलिए तो ये आपको आई होप समझ में आया होगा। फर्स्ट का आंसर कितना हो गया जी, फर्स्ट का आंसर हो गया 11, x इज इक्वल टू 11। चलिए सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है, रख करो, चलिए ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए जरा वहां, साइन स्क्वायर 40 प्लस 2x, साइन स्क्वायर 40 प्लस, यहां पर x के वैल्यू नहीं निकालना है, बताना है बस, साइन स्क्वायर 40 प्लस 2x प्लस साइन स्क्वायर 50 माइनस 2x क्या होगा। अब देखिए कुछ ऐसा आपको समझ में आ रहा होगा, ये देखिए इक्वेशन नंबर 5, साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b बराबर 1, ये कब होता है, जब a प्लस बी बराबर 90 होता है, 90 होता है, ठीक है। साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b इज इक्वल टू 1 होता है अगर a प्लस बी का सम 90 होता है। ऐसा ही कुछ दिख रहा है, साइन स्क्वायर a साइन स्क्वायर b दिख तो कुछ ऐसा ही रहा है। अगर इसका वैल्यू 1 होगा कब, जब ये दोनों का सम a और b का सम 90 डिग्री होगा। तो जरा चेक कर लीजिए कितना है a, कितना है, हमने माना इसको a और इसको मान लिया b, ठीक है। तो a प्लस बी देखिए 90 आ रहा है क्या, 40 प्लस 2x a हो गया, प्लस करेंगे b को, b कितना है 50 माइनस 2x, 2x माइनस में 2x प्लस में कैंसिल आउट, 40 प्लस 50 कितना हो गया जी 90। मतलब आप अब कह सकते हैं कि इसका वैल्यू जो होगा वो 1 होगा, ठीक है। इसका कितना वैल्यू होगा, 1 होगा, क्लियर है ना, कैसे, क्योंकि a और b का समेशन 90 हो गया। अब जब a और b का समेशन 90 होता है तो साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b इज इक्वल टू 1 होता है। यहां भी वही फॉर्मेट है, साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b, बहुत आसान था। तो ये आइडेंटिटी अगर आपको याद है तो ऐसे कई क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में हड़बड़ाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब यहां पर ये क्वेश्चन है, तो अगर आपको ये आइडेंटिटी नहीं पता है तो आप चलेंगे साइन स्क्वायर को कन्वर्ट करेंगे कॉस में, कि अगर साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर हो जाएगा तो हम वन कर लेंगे, कैसे कैसे, वो आपको लेंदी करेगा, टाइम लेगा, टाइम कंज्यूमिंग, हो सकता है कि आप ऑप्शन के जाल में फंसे और आंसर भी गलत करके आए, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन देखेंगे, आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं तो फिर से आप रिवाइंड कीजिए वीडियो को, फिर से जाकर पीछे देखिए। चलिए इस आइडेंटिटी का एक थर्ड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जरा ध्यान दीजिएगा इस पर। कॉट 18 मैं लिख रहा हूं, कॉट 18 क्लियर है, कॉसेक यहां पर लिखा है, कॉस स्क्वायर 68 लिख दीजिए, कॉस स्क्वायर 68 इंटू कॉट 72 इंटू कॉट 72, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हुबहू लिख दिया प्लस, तो मैंने लिख दिया प्लस। अब यहां देखेंगे 1/sec² 32 है, क्या है, 1/sec² 32 इंटू टेन 72। अब 1/ है तो 1 से मैं ऊपर लेके जाना चाहता हूं, मतलब इसको फ्री करना चाहता हूं 1/ से, तो sec² ऊपर जाएगा तो क्या होगा, cos² होगा, और
टेन ऊपर जाएगा तो क्या होगा, कॉट होगा, क्लियर है ना। फर्स्ट ही लेक्चर में आपको ये बताया जा चुका है, चलिए ठीक है। मैं उसका भी आप जाकर के प्लेलिस्ट पे एप्टीट्यूड फॉर एसएससी बैंकिंग पर क्लिक करके आप देख सकते हैं, सारा सीरीज में डाला हुआ है मैथमेटिक्स का लेक्चर, ठीक है। वैसे मैं इसका लगा दूंगा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो इसको अगर हम ऊपर लेके जाना चाहें तो क्या लिखेंगे कि सेक बदल जाएगा कॉस स्क्वायर में, तो कॉस स्क्वायर 32 कोई दिक्कत नहीं, इंटू टेन 72 को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा कॉट 72, सही है जी। ये स्क्वायर में था तो हमने स्क्वायर लिखा, इसमें स्क्वायर नहीं है तो हमने स्क्वायर नहीं लिखा। अब देखेंगे ये दोनों में देखिए क्या कॉमन है, तो आप कहेंगे कॉट 72 सर कॉमन है दोनों में, है ना। तो आप कॉट 72 को बाहर निकाल लीजिए, पहले से क्या है कॉट 18, कॉट 18 पहले से था, कॉट 72 आपने बाहर निकाल लिया, कॉट 72। अब अंदर क्या बच गया, कॉस स्क्वायर 68, कॉट स्क्वायर 68 प्लस कॉस स्क्वायर 32, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब एक बात बताइए, अभी अभी तो आपने पढ़ा है कि अगर ए और बी का सम 90 हो तो 18 प्लस 72 90 हो रहा है क्या, आप कहेंगे हाँ हो रहा है। तो अगर 18 प्लस 72 90 है तो cot a इंटू cot b इज इक्वल टू 1, अभी तो आपने पढ़ा ये देखिए इक्वेशन नंबर 4 एक एक करके सब यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया 1। चलिए अब फिर से देखेंगे ये दोनों का सम 90 हो रहा है क्या, 68 प्लस 32 90, आप कहें कि हाँ हो रहा है। तो ये 90 हो रहा है मतलब cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b इज इक्वल टू ऑल्सो 1, ये देखिए लास्ट वाला cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b इज इक्वल टू 1, तो ये भी 1 हो गया, तो 1 इंटू 1 इज इक्वल टू, तो कितना आसान था ये। बस एक बार आपको ये आइडेंटिटी के बारे में पता होना चाहिए कि a प्लस b इज इक्वल टू 90, तो ऐसे कितने भी क्वेश्चन है आप चुटकी में सोल्व करेंगे, और आई होप आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा इसको करने में। तो ऐसे कई क्वेश्चन होंगे आपके बुक्स में, आपके नोटबुक में, आप उनको कीजिए। आपके पास एक कोई भी एडवांस मैथमेटिक्स का बुक्स या प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक आपके पास हो तो उसमें भी ऐसे ढेरों आपको एसएससी में क्वेश्चन दिख जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब जो दूसरा टाइप के है मैं बता रहा था वो अब करते हैं 2 मिनट में। अब चूंकि अभी चुनाव का माहौल चल रहा है तो आप जरा इन्हें पढ़िए, चुनाव से रिलेटेड चीजें, मिलते हैं 2 मिनट में। चलिए आपने पढ़ लिया होगा, आई होप अगर समय कम मिला हो तो फिर से पॉज करके उसको पढ़ लीजिए, अच्छी जानकारी है। चलिए यहां पर हमने 3 रिलेशंस लिखे हैं। अगर साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा, अगर इस सीरीज में कोई रिलेशन बन रहे हैं तो उसको आपको क्या करना है, साइन जो भी थीटा है 3 से मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड कर दीजिए, मतलब जो भी एंगल होगा वो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और साइन का वैल्यू निकाल करके 4 से आप डिवाइड कर देंगे, ठीक है। सेम एज इट इज कॉस में होगा, कॉस थीटा कॉस 60 माइनस थीटा और इंटू कॉस 60 प्लस थीटा, तो आप कॉस थीटा में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर कॉस 3 थीटा का वैल्यू बताएंगे और 4 से डिवाइड कर देंगे। और लेकिन tan में थोड़ा सा कंडीशन अलग हो जाता है, यहां डिवाइड नहीं करते हैं, बस tan 3 थीटा ही होता है, मतलब थीटा में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और फिर tan का वैल्यू निकाल दीजिए, ठीक है। बहुत ही आसान है ये, बस रिलेशन आपको पता होने चाहिए, ये आपको रिलेशन पता होने चाहिए, क्लियर है। आप इसको एक दो बार लिखेंगे आप याद कर लेंगे हमेशा के लिए। चलिए इसमें 4 क्वेश्चन है और चारों क्वेश्चन आया हुआ है जी, ठीक है। ये क्वेश्चन देखेंगे साइन 20 साइन 40 और साइन 80। अब अगर आपको ये रिलेशन नहीं पता, जस्ट इमेजिन 2 मिनट पहले तक, अगर कई लोग आप में से होंगे जिनको ये पता होगा, लेकिन कुछ ऐसे मेरे दोस्त होंगे जो शायद पहली बार देख रहे हो, कोई बात नहीं आज देख लीजिए, अब देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो साइन 20 साइन 40 और साइन 80 अगर आप ये रिलेशन नहीं जानते हैं तब तो आपको बहुत कठिनाई होने वाली है, क्योंकि साइन 20 का तो आप वैल्यू जानते ही नहीं, साइन 40 का भी आप नहीं जानते। अच्छा साइन 20 के तो 3 मल्टीप्लाई करोगे तो फिर आप 60 लेके जाओगे तो फिर 3 से डिवाइड करोगे, लेकिन वो तो मल्टीपल एंगल हो गया, फिर तो आपको 2x और 3x का फॉर्मूला पता होना चाहिए। लेकिन ये देखिए कितना आसान ये फॉर्मूला है,
यहां पर बैठ रहा है क्या? अगर हमने थीटा को 20 लिया है, इसी पे क्वेश्चन करेंगे, देखिएगा। अगर हमने थीटा को 20 डिग्री ले लिया, ये साइन 20 है, तो आपने थीटा इज इक्वल टू 20 मान लिया, तो साइन 20, ठीक है जी। यहां देखेंगे साइन 40 है, तो 40 के लिए अगर आप साइन 60 में से 20 माइनस करते हैं तो 40 हो गया क्या? देखिए बैठ रहा है इस पे, हूबहू बैठ रहा है ना, साइन थीटा की जगह पर हमने 20 ले लिया, तो साइन 40 कैसे लिखेंगे? 60 माइनस 20, क्लियर है। चलिए अब उसके बाद 80 है, तो आप लिखेंगे साइन 60 प्लस 20, हो गया ना। देखिए साइन 20, साइन 40, 60 माइनस 20 40, फिर साइन 60 प्लस 20 80, तो साइन 20 40 और 80, तो आपको क्या करना है कि 3 मल्टीपल करना है आपको थीटा में, तो थीटा कितना है 20, तो साइन यहां पर मैं लिख लू साइन 20 30 60, 20 में आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है, कितना हो गया 60 डिवाइडेड बाय 4। साइन 60 की वैल्यू कितना होता है, तो आप कहेंगे रूट थ्री बाई टू, और पहले से यहां 4 है, तो आंसर हो गया √3/8, कोई दिक्कत नहीं, तो इसका आंसर हो गया √3/8। अब आप सेकंड क्वेश्चन कर लेंगे, ये हमने कर लिया, ये आप कीजिए, कुछ नहीं करना है, ये भी इसी फॉर्मूले पे बिठाना है। थीटा इज इक्वल टू 15 कॉस 60 माइनस 15, मतलब 45, यहां देखिए 45 यहां लिख दिया ना, आगे पीछे कर दिया, जंबल कर दिया ताकि आप कंफ्यूज हो, यहां पर रख दिया है। फिर आप 60 प्लस 15 75, देखिए cos 75, तो क्या हो जाएगा cos 3 × 15, मतलब 45, और cos 45 के वैल्यू कितना होता है 1/√2, ये भी आपको बताया जा चुका है पहले दूसरे लेक्चर में, तो कितना हो गया 1/√2, और डिवाइडेड बाय कितना 4, तो 1/4√2, सेकंड का भी आंसर ऐसे हो गया, लेकिन आप करेंगे पेन से कीजिएगा, ठीक है, रिविजन बहुत जरूरी है। चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन मैं करूंगा एक्चुअली ये रेडियन के फॉर्मेट में, एक छोटा सा वीडियो मैं लाऊंगा, वो मैं बताया नहीं, रेडियन और डिग्री और ग्रेड, जो ये भी आते हैं क्वेश्चन, हालांकि रेगुलर इंटरवल तो नहीं दिखते, लेकिन ये आपकी जानकारी होनी चाहिए। तो वो कन्वर्जन जो होते हैं ना, एक फिजिक्स का भी वीडियो लेकर के आऊंगा मैं, जिसमें डिग्री को, मतलब डिग्री सेल्सियस, डिग्री फारेनहाइट, डिग्री केल्विन, उसका कुछ, जैसे आपने ट्वेल्थ में अगर मैथमेटिक्स पढ़ा है तो मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से उसका फॉर्मूला निकालेंगे, जिससे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप फॉर्मूला निकालते थे ना, x1 - x2 / आपको याद होगा, दो कोऑर्डिनेट और पॉइंट स्लोप दिया रहता था, तो उससे हम निकालेंगे, दिखाएंगे हम आपको। बहुत डिमांड हो रही है फिजिक्स के क्वेश्चन करने के लिए, माफ कर दीजिएगा, टाइम नहीं है, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि एमसीक्यू फिजिक्स का और केमिस्ट्री का एमसीक्यू 25 25 क्वेश्चन का, जैसे आप लोगों के डिमांड पे मैंने जब एएनपी के आप लोग पेपर दे रहे थे, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग का हमने जैसे एमसीक्यू लेकर के आया था, आप लोग काफी लोगों ने पसंद किया, तो उसी तर्ज पे मैं फिजिक्स केमिस्ट्री का एमसीक्यू लेकर के आऊंगा, खास करके एनटीपीसी और ग्रुप डी वाले स्टूडेंट के लिए। चलिए ये क्वेश्चन है जो रेडियन में दिया हुआ है, 5/9। अब देखिए पाई जब हम वो पढ़ते हैं मेंसुरेशन, तो वहां पर पाई का मतलब क्या होता है, पाई का मतलब वहां पर होता है जी 22/7, ठीक है, 22/7 या 3.1714। अब यहां पर हम पाई के मतलब 180 मानेंगे, तो ये 180 / 9 कितना हो गया 20 हो गया, देखिए फिर से वहीं पहुंच रहा है ये, धीरे धीरे है ना, पाई बाय 9 मतलब 180 / 9 कितना हो गया 20, तो साइन 20। चलिए यहां पर 20 × 5, क्यों 180 / 9 20 और इसको करेंगे तो कितना हो गया 5, कितना हो गया 100 हो गया। चलिए इसके बाद यहां देखेंगे साइन 20 140, तो ये हो गया, यहां पर लिख रहा हूं मैं, समझिएगा ये क्वेश्चन आप करेंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, ये क्वेश्चन के आप आंसर कमेंट करेंगे, इसको मैं बता रहा हूं, ये हो गया साइन 20 हो गया जी इंटू ये कितना हो गया साइन 100 हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया कितना साइन 140, सही है साइन 140 20 20 180 20 20 20 100, ठीक है ये 100 हो गया, ये 140 हो गया, ये 140 हो गया, और ये कितना हो गया साइन 60 180/3 साइन 60 हो गया। अब साइन 60 का तो हमको इसमें रोल ही नहीं है, साइन 60 का वैल्यू हमको पता है √3/2,
टू, तो आप इसको रूट थ्री बाय टू लिखेंगे, यहां पर लिख लीजिए उत्तर रूट थ्री बाय टू। अब ध्यान से देखिए यहां पर, यही बस आपको काम करना है। ये दोनों तो बहुत ही मतलब लॉलीपॉप जैसे क्वेश्चन थे, बहुत आसान। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, साइन 20 तो आपको पता है, साइन 100 हो गया। अब कहें कि सर साइन 60 प्लस 20 ना तो 100 होता है ना ही 140 होता है, साइन 60 माइनस 20 ना तो 100 होता है ना ही 140 होता है, तो फिर ये बैठेगा कैसे सर? तो इसलिए तो मैंने आपको सेकेंड लेक्चर में बताया था कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, याद आया? तो आप देखेंगे कि इसको अगर आपको कन्वर्ट करना है तो साइन 180 माइनस 80 करेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन 100 हो जाएगा, साइन 180 माइनस साइन 80। अब साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो क्या हो गया, ये हो गया सर, इसको आप इसका आप आंसर करेंगे, यहां से मैं कर रहा हूं इसको, तो ये तो साइन 20 हो गया, साइन 20, साइन 100 को करेंगे आप साइन 180 माइनस 80, हो गया साइन 100, हो गया साइन 100। चलिए इसको लिखेंगे साइन 180 माइनस 140, हो गया, सॉरी 140 लिख दीजिएगा, तो क्या सिर्फ 40 लिखना हो ना आपको, ठीक है साइन 40, और ये तो हम लिख ही रहे रूट थ्री बाई टू। अब एक बात बताइए, इसका क्या मतलब हो गया, साइन 20 साइन 80 और साइन 40, ये तो वही आ गए, देखिए साइन 20 साइन 40 साइन 80, साइन 20 साइन 40 साइन 80। तो आप कहेंगे सर आपने एक कंफ्यूजन आपको हो सकता है, आप ये कहेंगे कि सर 100 को आपने 90 प्लस 10 क्यों नहीं लिखा, तो मैं बोलूंगा कि सर आपके पास साइन का फॉर्मूला है ना, साइन में कॉस का फॉर्मूला तो है नहीं, आप तो साइन 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 में रहेगा तभी तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, यहां साइन यहां कॉस तो फिर तो लफड़ा हो जाती, तो आपको साइन को साइन में रखने के लिए 180 से करना पड़ता था। आपको मैंने बताया था कि जब 90 का मल्टीपल कितना हो 2, 4, 6 मतलब इवन नंबर, तब साइन के साइन रह जाते हैं कॉस के कॉस रह जाते हैं, साइन चेंज नहीं होते, ठीक है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है वो चेंज नहीं होते। तो इसका वैल्यू अभी आपने निकाला है रूट थ्री बाई एट पहले निकाल चुके हैं, और ये रूट थ्री बाई टू ये वाला लास्ट वाला टर्म, तो इसका आंसर हो गया सर 3/16, ठीक है। तो बहुत ही आसान था, आप इस चार नंबर क्वेश्चन के आंसर करेंगे, बहुत आसान है, आपको इन्हीं रिलेशन की मदद से आप करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आई होप आपको ये वाला रिलेशन और इससे पहले वाला आइडेंटिटी दोनों आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें मैक्सिमम मिनिमा लेकर के आएंगे और कुछ और क्वेश्चन, तब तक के लिए खुश रहिए, नमस्कार।